नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर है आजमगढ़ से। देश में घरेलू एलपीजी सिलेंडर का बड़े स्तर पर अवैध इस्तेमाल किया जा रहा है। जो ग्राहक निर्धारित गैस सिलेंडर का उपयोग नहीं कर पाते उनके से सिलेंडरों की कालाबाजारी हो रही है। इस तरह एक ओर सरकार को 13% जीएसटी का नुकसान पहुंचाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर ब्लास्ट का खतरा भी बढ़ रहा है। इसके घातक परिणाम भी हो सकते हैं। इस तरह का खुलासा करते हुए ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन सोलंकी के निर्देशन में पूरे देश में शहर शहर जाकर के जन जागरूकता कार्यक्रम कर रही है। इस कार्यक्रम में आजमगढ़ वासियों को जगाने और जागरूक करने की दृष्टि से पत्रकार वार्ता कर घरेलू सिलेंडर से कमर्शियल गैस सिलेंडर भरे जाने का खुलासा किया गया तथा शासन और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की गई है। 60% घरेलू सिलेंडरों का हो रहा है व्यावसायिक इस्तेमाल। ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन के कार्यकारी संचालक शुभम रंगारी ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडर एक बेहद सुरक्षित और गैर प्रदूषणकारी ईंधन है। वर्तमान समय में देश में 75% नागरिक इसका उपयोग घरेलू उपयोग के लिए कर रहे हैं। 60% घरेलू सिलेंडरों का उपयोग अवैध रूप से व्यावसायिक स्थानों पर किया जा रहा है। इसमें 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडरों का उपयोग 35% है, जबकि 16 किलोग्राम या अन्य वाणिज्य सिलेंडरों के मामले 25% कच्चे बिल का उपयोग खतरनाक तरीके से किया जा रहा है। एलपीजी वाहनों में इस्तेमाल जो है खतरनाक तरीके से हो रहा है। उन्होंने बताया कि देश में घरेलू सिलेंडरों का इस्तेमाल एलपीजी वाहनों में भी खतरनाक तरीके से किया जा रहा है। ऑटो एलपीजी वाहनों की दैनिक खपत की तुलना में 70% चालक इलेक्ट्रॉनिक मोटर पंप की मदद से बेहद खतरनाक तरीके से घरेलू सिलेंडर में एलपीजी भरते हैं। पहले भी बड़े हादसे हो चुके हैं, लेकिन ऑटो एलपीजी पंपों से सिर्फ 30% अधिकृत एलपीजी ही बेची जा रही है। आज ऑटो एलपीजी 52 रुपये प्रति लीटर बिकता है और इसका माइलेज भी अच्छा है आज तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण आते हैं कि एलपीजी गैस सीधे टैंकरों से ली जा रही है और लगभग 15% सिलेंडरों में इसे भरा जाता है। बहुत खतरनाक है। पिछले 10 वर्षों में यह राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर 6 से 7 बड़ी दुर्घटनाओं का कारण बना है। इसके लोगों को साथ साथ रहकर तो सरकार को भी निजी क्षति हुई और 65 लोगों की जान भी गई है। फिर भी प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा और सिर्फ अस्थायी कार्रवाई की जा रही है। हर राज्य में एलपीजी से जुड़े शिकायतों और दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए राज्य स्तर पर जिला स्तर पर सतर्कता समिति जैसी समितियाँ बनाई गई हैं और दुख की बात तो यह उन्हें भी नजरअंदाज किया जा रहा है। झोला लाभार्थी पूरे 12 सिलेंडर नहीं ले। फाउंडेशन के राज्य प्रमुख अक्षय मिश्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 2014 से अब तक 6.58 करोड़ लोगों को 100 रुपये शुल्क के साथ एलपीजी सिलेंडर दिया गया है और एलपीजी सिलेंडर की खरीद पर भारी छूट भी दी जा रही। लेकिन अक्सर देखा जा रहा है कि उज्ज्वला लाभार्थी पूरे 12 सिलेंडर नहीं ले रहे हैं, वितरक इसका दुरुपयोग कर रहे हैं और अनुचित लाभ उठा रहे हैं। सरकारी खजाने को पहुंचा रहा करोड़ों रुपए का नुकसान। विनय पांडे ने बताया कि 14.2 किलो के घरेलू गैस सिलेंडर पर सरकार सिर्फ 5% जीएसटी लगाती है, जबकि 16 किलो और 5 किलो के कमर्शियल गैस सिलेंडर पर 18% जीएसटी लगती है। इसके अलावा ऑटो एलपीजी यानी गाड़ियों के इस्तेमाल होने वाली एलपीजी पर 18% जीएसटी लगता है। इसलिए सरकार को एलपीजी सिलेंडर की बिक्री से हर साल करोड़ों रुपए का जीएसटी मिलता है। इसकी अवैध बिक्री रोकने से जीएसटी राजस्व में बढ़ोतरी हो सकती है। क्यूआर कोड से करें ट्रैकिंग। ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन के कार्यकारी संचालक शुभम रंगारी ने बताया कि कमर्शियल सिलेंडर महंगे होते जा रहे हैं और कमर्शियल लोग घरेलू गैस सिलेंडर का चोरी छिपे इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रशासन भी इस समय पर समस्या पर ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने घरेलू गैस सिलेंडर में क्यूआर कोड है ट्रैकिंग प्रारंभ करने की मांग उठाई ताकि घरेलू सिलेंडर के अवैध इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सके। संवाददाता धीरज वर्मा की खास रिपोर्ट। मैं शुभम रंगारी, ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन का कार्यकारी संचालक। मेरे सहयोगी राज्य प्रमुख अक्षय मिश्रा, मेरे सहयोगी विनय पांडे जी, आज हम आपके सामने एक ज्वलंत मुद्दे को लेकर पेश हुए थे। ज्वलंत मुद्दा ऐसा है कि आपके हमारे घर में आने वाला जो घरेलू गैस सिलेंडर है उसका जो अवैध रूप से जो काला बाजार कर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है, उस समक्ष में आज आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं। जो घरेलू गैस सिलेंडर है उसके ऊपर 5% का जीएसटी होता है और जो व्यावसायिक गैस सिलेंडर उसके ऊपर 18% का जीएसटी होता है। अगर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में, होटल रेस्टोरेंट्स में अगर घरेलू गैस सिलेंडर का अगर इस्तेमाल होगा तो उसमें सरकार को 13% जीएसटी का नुकसान हो रहा है। हमने जिला प्रशासन को कई बार पत्र द्वारा अवगत करवाया है, बट जिला प्रशासन की ओर से अभी तक ऐसे कोई कठोर
कदम या ठोस कार्रवाई कभी की नहीं गई है। हम आपके माध्यम से जिला प्रशासन से विनती करते हैं कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करें और ठोस एक्शन ले और एक नोटिस जारी करें कि जितने भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं छोटे बड़े सभी जगह एक नोटिस लगाए कि अगर घरेलू गैस सिलेंडर यहाँ इस्तेमाल होगा तो हम आपके ऊपर कठोर कार्रवाई करेंगे। तो क्या इस संबंध में आप लोग कोई जन जागरण भी करेंगे या लोगों से अवेयर करने के लिए आप लोगों से? जी, हम लोग ने अभी महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी किया हुआ है। बट देखिए, हम एनजीओ हैं, हम तो जिला प्रशासन को समय समय पर पत्र द्वारा अवगत करवा सकते हैं। आप लोकतंत्र का आधार चौथा आधार स्तंभ है, आपके माध्यम से हम जनता से अपील करते हैं कि जो आपके घर में आने वाला जो घरेलू गैस सिलेंडर है उसको भी आप तोल कर लीजिए, खाली सिलेंडर को भी तोल कर दीजिए। जिला प्रशासन इस पे क्यों नहीं ध्यान देता है? सर, जिला प्रशासन और आपको पर देखा जाता जी है, जी जी, घरेलू गैस सिलेंडर यूज होते हैं जी, मगर आपकी बात संज्ञान में आने बाद तक शायद किसी के जहन में ये चीजें आई हो, जीएसटी वाले फैक्टर से क्यों नहीं लोग ध्यान देते? इससे राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। सर, इससे राजस्व का नुकसान हो रहा है, कई जगह जो बड़े होटल रेस्टोरेंट्स में जो दोनों सिलेंडर दिखते हैं, कहने का मतलब ये है कि दिखाने के लिए तो एक लीटर की बोतल होती है, उसके अंदर आधा लीटर का पानी, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो घरेलू गैस सिलेंडर है और व्यावसायिक गैस सिलेंडर बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में अंदर पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं कि उसको छोटी सी बांसुरी के माध्यम से उसमें पलटी किया जाता है कमर्शियल सिलेंडर में, घरेलू गैस सिलेंडर को, और वो दिखाने के लिए होता है कि यार हम लोग लीगल तरीके से कर रहे हैं। और बाकी जो मार्केट में इतने जगह हो रहा है, IOCL BPCL के जो सेल्स अधिकारी है इनका बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट इनका होता है, ठीक है। उसके बाद में सेल्स जो अपना ये जिला पूर्ति अधिकारी है उनका भी कोई ध्यान नहीं है, जिला प्रशासन का भी उनका ध्यान नहीं है, सब एक दूसरे के ऊपर देखते हैं कि वो उनका उनका पार्ट है, मतलब आपूर्ति अधिकारी का पार्ट है या पुलिस का पार्ट है। कैसा है कि एसेंशियल जो कम्युनिटी एक्ट है 1955 सेक्शन 3 और 7 के अंदर में इन तीनों को संयुक्त कार्रवाई करने का अधिकार है, बट ये कोई भी अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभा नहीं रहा है। हम जिला प्रशासन से आपसे आपके माध्यम से यही विनती करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। और पुलिस वाले ये आपस में टालम टाल करते कि हम नहीं करेंगे कार्रवाई, वो उनका पार्ट है, ये इनका पार्ट है, बट एसेंशियल जो एक्ट है एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट 1955 सेक्शन 3 और 7 के अंदर में जिला प्रशासन को जिला। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।